चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर मियां इमरान अकबर ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स डिपार्टमेंटल कमेटी TMA एक्साइज क्राइम वॉच ट्रैफिक मैनेजमेंट इजलास की सदारत करते हुए कहा है कि नाजायज़ इंक्रोचमेंट को ख़त्म करके ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। मरकजी डिप्टी सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पार्टी कोआर्डीनेटर वज़ीर आला पंजाब उमर फारूक मैयर ने सियालकोट चैम्बर के इजलास में बिजनेस कम्यूनिटी और सियालकोट इंतजामिया से खिताब करते हुए कहा कि ट्रैफिक बैन को नए सिरे से तरतीब दिया जाए, ज़िले इंतजामिया और दीगर सरकारी इदारों को अपना किबला दुरुस्त करना चाहिए, ना कि बहुत देर हो जाए। एडमिनिस्ट्रेशन और दीगर सरकारी इदारों को अपना किबला दुरुस्त कर लेना चाहिए। इनके खिलाफ शिकायात का आवाम के लिए बहुत बड़ा और एक अच्छा इकदाम है। शिकायात के लिए हर शहरी अपने मोबाइल से वज़ीर आज़म पोर्टल पर अपने मसाइल के हल और एडमिनिस्ट्रेशन से मुतल्लिका शिकायत का अंदराज करवा सकता है, जहां शिकायात का फौरी अजाला किया जा रहा है। इजलास से सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की TMA एक्साइज डिपार्टमेंटल कमेटी चेयरमैन राना नदीम अहमद, चेयरमैन ट्रैफिक को लॉ एंड ऑर्डर कमेटी नासिर सलीम मिर्ज़ा, DSP सिटी राना नदीम तारिक, DSP ट्रैफिक आफ्ताब बट, इंचार्ज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंक्रोचमेंट सुहेल मलिक अल्ला यार ने भी इजलास से खिताब किया और सदर चैम्बर और चेयरमैन डिपार्टमेंटल कमेटीज़ के सामने व्हीकल्स अमला और दुरान इंक्रोचमेंट FIR के बारे में दरपेश मसाइल के बारे में भी बात की, जिनके हल के बारे में सदर ऐवान सनत और तजारत सियालकोट और कोआर्डीनेटर वज़ीर आला पंजाब उमर फारूक मेयर और DSP सिटी राना नदीम तारिक ने यकीन दहानी करवाई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहदेदारों का एक हंगामी इजलास। ज़ेरे सदारत रहनुमा तहरीक इंसाफ और UC चेयरमैन सैयद इफ्तिखार हुसैन शाह अलमारूफ मिठू शाह मुनक़िद हुआ, जिसमें साबिक वफाकी वज़ीर डॉक्टर फरदोस आशिकवान की टीम ने खसूसी शिरकत की। इजलास में रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साबिक नाज़िम यूनियन कौंसल खरूटा सईदा नासिर वहीद चौधरी एडवोकेट ने बजरिया टेलीफोन खसूसी शिरकत की। इजलास में बल्दियाती इलेक्शन और यूनियन कौंसल खरूटा सईदा में तरक्याती कामों के हवाले से गौर किया गया। पहले मरहले में मोहल्ला मीरा साहब से काम का आगाज़ किया जाएगा, जबकि दूसरे मरहले में मोहल्ला जे रामपुर गुज्जर टाउन महार बैलों बग्गल वगैरह शामिल होंगे। साबिक वफाकी और सूबाई वजीर डॉक्टर फिरदोस आशिकवान की काविशों से पंजाब गवर्नमेंट तरक्याती मनसूबों की मंजूरी दे दी गई है और अनकरीब फंड्स भी जारी कर दिए जाएंगे। UC चेयरमैन सैयद इफ्तिखार हुसैन शाह ने गुफ्तगू करते हुए बताया कि खरोटा सईदा में निकासी आपका काम का जायजा भी लिया गया है। सियालकोट पुलिस की जुराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाई, डकैती की संगीन वारदातों में मुलविस 3 रुकनी फैजान और चैम्बर गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजमान के कब्जे से मोटरसाइकिलें असला नकदी और मोबाइल फोन बरामद कर लिए गए। तफसीलात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सियालकोट उमर सईद मलिक की हदायत पर SHO थाना रंगपुरा आबिद फारूक ने टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए डकैती की वारदातों में मुलविस 3 रुकनी गैंग फैजान और चैम्बर को सरगना समेत गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान में फैजान और चैम्बर वल्द अरशद सकना धीरा संदा शेराज वल्द असगर सकना रंगपुरा शामिल हैं। गिरफ्तार मुलजमान से दौरान तफ्तीश शहरियों से छीनी गई 4 मोटरसाइकिल्स, नकदी 25,000 रुपये, 4 अदद मोबाइल फोन और नाजायज़ असला, 2 अदद पिस्टल, 30 बोर बमा, मुतअद्दिद गोलियां बरामद कर ली गईं। मुलजमान ने इंकशाफ किया है कि वह सुनसान सड़क पर शहरियों को रोकते और उनको लूट मार करके फरार हो जाते। मुलजमान ने दर्जन से ज़ायद वारदातों का इंकशाफ किया है, जिसमें से 12 मुकदमा ट्रेस किए जा चुके हैं। मुलजमान से मजीद तफ्तीश जारी है, जिनसे मजीद बरामदगी अमल में लाई जा सकेगी। DPO सियालकोट ने पुलिस टीम में मौजूद तमाम अफसरान और मुलाजमीन को तारीफी सर्टिफिकेट और नकद इनाम देने का ऐलान किया और हदायत की है कि आवाम के जानो माल की हिफाजत को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। मरकजी डिप्टी जनरल पाकिस्तान मीर उमर फारूक मेयर साहब सूबाई वजीर चौधरी इखलाक DC सियालकोट ताहिर फारूक की सियालकोट वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के ज़ेर एहतमाम इनवार क्लब में क्रिश्चियन मुलाजमीन के एजाज में रखी गई तकरीब में शिरकत और केक काटा गया। इस मौके पर डिप्टी जनरल सेक्रेटरी सेंट्रल पंजाब ट्रेडर्स विंग मलिक उमर इकबाल, सदर यूथ विंग उसामा जलील भी मौजूद। इस मौके पर उमर फारूक मैयर ने कहा है कि सियालकोट वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मुलाजमीन जगह कुशल नहीं थे, शहर को साफ सुथरा रखने में उनकी कोशिशें काबिले तारीफ हैं। उन्होंने कहा कि आइन और कानून में मुल्क पाकिस्तान में बसने वाले तमाम मजाहब के अफराद को मुकम्मल आज़ादी हासिल है
और उनको आगे बढ़ने के मसावी मौके भी दस्तियाब हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मसीही भाइयों की खुशियों और गमों में बराबर के शरीक हैं और भाईचारे की फ़जा को कायम रखते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। बाद अज़ां सूबाई वज़ीर स्पेशल एजुकेशन चौधरी मोहम्मद इखलाक, डिप्टी कमिश्नर सियालकोट ताहिर फारूक, मेंबर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी PTI उमर फारूक, मेयर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर SWMC खालिद जावेद गुराइया, COMCS जुबैर वट्टू और पास्टर सोहराब ने क्रिसमस का केक काटा। तकरीब के आखिर में मुल्क कौम की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं की गईं। सियालकोट पेरिस रोड पर फायरिंग का वाकया, पुलिस ने फायरिंग के वाकये में मुलविस 3 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उस्मान अयूब उर्फ गोगा, अनसब सलीम, मोहसिन उर्फ कालू को जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया है। मुलजमान ने गुज़श्ता शब पेरिस रोड के करीब फायरिंग करके 20 साल नौजवान नुमान को ज़ख्मी किया था। DPO सियालकोट उमर सईद मलिक ने शाहराह आम पर फायरिंग करके शहरी को ज़ख्मी करने के वाक़े का सख्ती से नोटिस लेते हुए मुलजमान को फौरी गिरफ्तार करने के अहकाम जारी किए थे। SP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद अकमल, DSCT राना नदीम तारिक, DSPCT CIA राना मोहम्मद जमील और SHO सिविल लाइन्स इरफान अशरफ की सरबराही में पुलिस टीमों ने शहर भर की नाकाबंदी करके कॉम्बिंग ऑपरेशन किया, जबकि जियो फेंसिंग, स्मार्ट सिटी सर्वेलेंस सिस्टम और जदीद टेक्नोलॉजी को भी इस्तेमाल में लाया गया। बिलाखिर 8 घंटे की अनथक कोशिश के बाद पुलिस ने 3 मरकजी मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी मुलजमान की तलाश जारी है। मुलजमान के खिलाफ थाना सिविल लाइन्स में मुकदमा नंबर 881/21 दर्ज किया जा चुका है। इंशाल्लाह इंसाफ के तकाजों को पूरा किया जाएगा। DPO सियालकोट उमर सईद मलिक ने पुलिस टीम को शाबाश देते हुए कहा कि शहरियों के जानो माल का तहफ्फुज़ पुलिस की जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को बखूबी पूरा करने के लिए तमाम वसाइल को बुरे कार लाया जाएगा। शहर में अमन व अमान के क्याम को यकीनी बनाने के लिए कोई दकीका फरोगजाश्त नहीं छोड़ा जाएगा। ये थी अब तक की हेडलाइंस। मजीद खबरों और प्रोग्राम्स देखने के लिए हमारे YouTube चैनल हमारा न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें।